मैं हरीश कुमार, कमर्स लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणगढ़, जिला फतेहगढ़ साहब। अज का बच्चे जोड़ा अपना टॉपिक है अकाउंटेंसी का पार्ट सैकेंड, फर्स्ट लैसन कंपनी अकाउंट्स शेयर कैपिटल, जिस अज मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ए कंपनी बारे पढ़ांगे। प्यारे बच्चों, तुहानू याद होगा कि प्लस वन दे बिजनेस स्टडी दे विच आपने सोल ट्रेड, पार्टनरशिप अते कंपनी बारे पढ़ चुके हैं। उस दे बारे थोड़े जी आपां रिव्यू कर लैंदे हां। पहला डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सैक्शन 2B ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ए कंपनी मीन जे कंपनी इनकारपोरेटड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, भाव कंपनी तो भाव कंपनी इस एक्ट के अधीन, भाव 2013 के एक्ट अधीन जां पिछला कोई एक्ट बनाया उस हेठ रजिस्टर्ड है। दूसरी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल इनटेंजिबल एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेंपलेशन ऑफ द लॉ, भाव कंपनी एक बनौटी अछूणयोग अधिक होंद वाली हुंदी है जो कि सिर्फ कानूनी तौर पर मौजूद हुंदी है। तीसरी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल परसन क्रिएटेड बाय लॉ सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, भाव कंपनी कानून द्वारा स्थापित की गई एक बनौटी व्यक्ति होंगी है जो कि नियंत्रण उत्तराधिकारी सांझी मोर वाली एक वक्री इकाई के रूप में होंगी है। प्यारे बच्चों, इन परिभाषावां दे आधार पर आप मीनिंग बनाने, कंपनी एक अजिही बनौटी व्यक्ति है जो कि कानून के तौर पर मौजूद होंगी है। कानून की नज़र विच एक आम इंसान वाग ये काम करती है, पर इसकी कोई शरीरिक होंद नहीं होंगी क्योंकि अजिहे व्यक्ति का कोई शरीर आत्मा नहीं होंदा। इन्हां सारियां कमजोरियां दे कारण ये एक बनौटी व्यक्ति है। ये अपने मैंबरां तो वक्ख होंद रखती है, मैंबरां तो भाव अपने जिहड़े इन्हां दे शेयर होल्डर ने, जिहड़े शेयर खरीदते हैं उन्हां नूं आपां शेयर होल्ड करते हैं, शेयर होल्डर दसदे हां, उन्हां तो वक्ख होंद रखती है। हुण इस तों बाद आपां इन्हां दे कोई जिन्हां दे विच है, पहला आर्टिफिशियल परसन, इहदे बारे आपां पहलां भी कर चुके हैं भी कंपनी है जिहड़ी एक बनौटी व्यक्ति है, इसकी जिहड़ी होंद है सिर्फ कानून की नज़र विच हुंदी है ते इह अपने मैंबरां अंशधारियां तों वक्ख हुंदी है। दूसरी इहदी जिहड़ी परिभाषा है फीचर हैगे ने लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि सीमित देनदारी। कंपनी के अंशधारियों की देनदारी सिर्फ उन्हां द्वारा खरीदे गए शेयरों के मूल तक ही सीमित हुंदी है। इस तों जिवें आपां करिया पिछे लिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी दे बेटे उन्हां दी जिहड़ी देनदारी हुंदी है असीमित हुंदी है, परंतु कंपनी दे विच जिहड़ी देनदारी है शेयरधारकां द्वारा खरीदे गए शेयरों तक ही सीमित हुंदी है। तीसरा पॉइंट है बेटे कॉमन सील, सांझी मोर। कंपनी एक बनौटी व्यक्ति होने के कारण अपने दस्तखत आप नहीं कर सकती, इस करके कंपनी के नाते एक सांझी कॉमन सील बनाई जाती है जिहड़ी कि कंपनी के सारे महत्वपूर्ण डाकूमेंट्स, कोई भी पेपर है वह ते लगती है ते जिसनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तस्दीक करते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका भाव है बेटे कंपनी की एक वक्ख विधानिक होंद है, ये अपने मैंबरों तो सुतंत्र रूप में काम करती है। कंपनी के नाते कोई भी संपत्ति खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, कंपनी पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है तो कंपनी किसी पर मुकदमा चला भी सकती है। अगला पंजवा पॉइंट अपना ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंशां दा इंतकाल। जिवें आपां नूं पता है भी जिहड़े कंपनी दे पूंजी है छोटे छोटे टुकड़ें च वंडी हुंदी है जिहनूं आपां शेयर च कहिंदे आ, तां इस कंपनी दे हाल दे विच जिहड़े शेयर ने ओह
ट्रांसवेबल ने, मतलब कि खरीदे बेचे जा सकते हैं पबलिक कंपनी के, पर जो आप प्राइवेट कंपनी की गल करिए शेयरों खरीदन बेचने लिए कोई बंदिशा होंदिया ने, आसानी नाल खरीदे बेचे नहीं जा सकते। छेवां पॉइंट है अपना रेगुलेशन कानून। जिहड़ी कंपनी है एक कानून द्वारा जां गतिविधियां जिन्हों आपां मेमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन कहने हैं उहदे द्वारा चलाया जाता है। सत्तवां पॉइंट है मैनेजमेंट या प्रबंध। जिहड़ा कंपनी का प्रबंध है इहनू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाउंदे ने, संचालक मंडल जिहनू आपां कहने हां। ये जिहड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं। आम जिहड़े शेयरधारक ने वो कंपनी के प्रबंध के विच हिस्सा नहीं लेंदे, सिर्फ इहनू जिहड़ा कंपनी का प्रबंध है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ही चलाया जाता है। अठवां पॉइंट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, मतलब कि कंपनी उदों तक होंद विच नहीं आती जदों तक वो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण नहीं हो जाता। कंपनी जिहड़ी है कंपनी च एक्ट 2013 के अधीन रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। नौवां पॉइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेखा पुस्तक, कंपनी ने जिहड़ी अपने बुक्स ने अकाउंट्स बुक्स ने वो तैयार करनिया पैंदियां ने, ते इह जिहड़े सारे बुक्स ने जिन्हां दा मेन दफ्तर है मुख दफ्तर है उत्थे उपलब्ध होनियां चाहीदियां ने, ते इहनां दा जिहड़ा सलाना विवरण है वो अकाउंट्स का कंपनी दे रजिस्ट्रार दे सामने पेश करना हुंदा है। परमानेंट एग्जिस्टेंस दसवां पॉइंट है, इहदा मतलब है स्थाई हो। स्थाई होने का मतलब कंपनी देखो कानून द्वारा बनती है तो यह कानून द्वारा ही बंद की जा सकती है। इस दे मैंबर बदलते रहते हैं पर इसका कंपनी पर कोई असर नहीं पैंदा। जिवें पिछे आपने सांझेदारी पढ़िया भी जे कोई मैंबर दिवालिया हो जाता सीगा, पागल हो जाता सीगा या किसी की मौत हो जाती थी तो वह सांझेदारी खत्म हो जाती थी, फिर दोबारे नवी सांझेदारी शुरू होती थी। पर कंपनी के इस तरह की कोई नहीं, जे कोई मैंबर दिवालिया हो जाता या पागल हो जाता या मौत हो जाती है कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी लगातार चलती रहती है। तो इस करके यदि जी होंद है वो स्थाई है परमानेंट है। तो ये बच्चों से गया ये फीचर च, ठीक है ना। हुण अगले अपने टॉपिक दे विच आपां कंपनी की टाइप्स तो कंपनी किवें बनती है वो बारे पढ़ा। थैंक्स।